जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा ही मन। जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे मन दोनों पर पड़ता है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और मोनिका जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर मोहित, आज जब हम बात करते हैं यूथ की या फिर एक जनरेशन की, कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि फूड हम टेस्ट के लिए खाते हैं, ना कि हेल्थ के लिए। आजकल जंक फूड भी इतना ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अलग अलग प्रकार की फूड की चॉइसेस आज हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ जी। और केवल ये कहना कि हम केवल अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा कि आजकल के यूथ्स काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन गलत भी क्या है। मेरा मानना है अगर वो जंक फूड खा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, टू प्लीज देमसेल्व्स ज़रूर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ये समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है कि फूड इज़ द मोस्ट पावरफुल पिल दैट वी कैन हैव। ये एक उतनी ताकतवर गोली है जो हमको बीमार बना सकता है, जो हमको स्वस्थ बना सकता है, जो हमको मोटा कर सकता है, जो हमको पतला भी कर सकता है। द फूड दैट वी कंज्यूम हैज दैट मच एनर्जी। तो सब कुछ खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस क्वांटिटी में हम खा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसकी क्वालिटी क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। नंबर थ्री, क्या हैबिट्स हैं हमारी, ईटिंग पैटर्न्स हमारे क्या हैं, उसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर फोर, जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या उतना आउटपुट भी हम निकाल पा रहे हैं। Correct. अगर ये चीज़ों का हम बैलेंस रखते हैं, देन यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये अगर हम बैलेंस रखें, और कहीं ना कहीं इसी का इम्बैलेंस हमको अस्वस्थता यानी हमारी बीमारी की तरफ हमको ले जाता है, हमको अस्वस्थ कर देता है। यूथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं बिसाइड्स मेनी अदर थिंग, फूड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी। डॉक्टर मोहित, अभी आपने कहा कि टाइमिंग ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम सही समय पे खाना खाएंगे तो ही हमारे लिए फायदेमंद होगा या फिर वो नुकसानदायक भी हो सकता है। देखिए, ये बात हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि फूड की टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर जी। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग 6 AM से लेके 8 to 9 AM के बीच में कम्प्लीट होना चाहिए जी। एंड ब्रेकफास्ट शुड बी दी हैवीएस्ट मील, यानी वो किंग की तरह हमें भोजन यानी ब्रेकफास्ट जो है उसको करना चाहिए जी। उसके बाद नेक्स्ट मील जो हमारी आती है वो होती है आफ्टरनून के अंदर, जिसको हम लंच कहते हैं। वो लंच भी हम लोग हैवी या प्रॉपर मात्रा के अंदर हम लोग ले सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग रात की मील को इम्प्रॉपर टाइम पर खाते हैं। अक्सर देखा गया है यूथ के अंदर, पर्टिकुलरली लेट नाइट्स के कारण 9 बजे 10 बजे 11 12, कई बार मैंने देखा है 1-2 बजे भी यूथ जो है वो भोजन को ग्रहण करते हैं। और साइंस ये क्लियरली कह चुकी है और प्रूव कर चुकी है कि अगर 9 से 9:30 10 बजे के बाद अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, स्पेसिफिकली 9 बजे के बाद अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन पॉइजन के रूप में काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, यानी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम हो जाती है, उसका प्रॉपर डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। तो इवनिंग मील जो है वो 7, 8, 8:30, 9 बजे तक हमारी कंप्लीट जरूर हो जानी चाहिए। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात का भोजन रिलेटिवली हल्का होना चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी मील्स जी। दूसरी चीज जो हमारे लिए भोजन के लिए जाना बहुत आवश्यक है वो है स्प्लिट मील्स। आजकल स्प्लिट डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है। स्प्लिट मील्स फ्रीक्वेंट डाइट्स, 3 डाइट्स की जगह जो प्रमोशनल एक्टिविटीज आजकल हमें बताती हैं, न्यूट्रिशन हमें बताते हैं कि यू शुड हैव योर डाइट फ्रीक्वेंटली, यानी स्नैक इन बिटवीन, सो एज आपकी मेन डाइट थोड़ी हल्की हो जाए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद अगर हमें समय मिले तो 11 बजे 12 बजे के आसपास हमको टी के साथ ग्रीन टी या स्नैक हमें ले लेना चाहिए, या फ्रूट्स हमें लेना चाहिए। इसी प्रकार आफ्टरनून लंच के बाद शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास हमको टी अगेन स्नैक कोई ना कोई लेना चाहिए जी। इसलिए
ताकि रात की मील हमारी हल्की हो जाए, और रात का मील हमको 8:30-9 बजे हल्का मील लेकर वाइंड ऑफ कर देना चाहिए। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बहुत लेट हो जाए, कई बार हमारी मीटिंग्स बहुत लेट होती हैं, तो उस समय बेटर ऑप्शन आपके लिए होता है, आप मील को स्किप करके आप लाइट दूध ले लें या कोई और पर्टिकुलर चीज़ आप ले लें, उसके बाद आप रेस्ट को जा सकते हैं, ताकि आपकी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो संतुलित और प्रॉपर चलती रहे। जी, इन्हीं की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, कई बार देखा गया है कि कॉल सेंटर्स की बात करें हम, वो उनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये शिफ्ट ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, ऐसे में फूड हैबिट्स को किस तरह से हम आगे लेकर हेल्दी फूड एट द राइट टाइम लें, ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसा अभी डॉक्टर मोहित ने बताया, तो देखिए जहाँ पे आप कॉल सेंटर के बच्चों की बात करते हैं या दोज पीपल हु आर वर्किंग एट नाइट, करेक्ट, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से शिफ्ट हो जाती है। तो उनका जो स्लीपिंग आवर्स हैं या वेकिंग अप आवर्स हैं, वो अकॉर्डिंगली फिर चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमें समझने की है या हमारे अंडरस्टैंडिंग की है, वो ये है कि स्लीपिंग से पहले 2 घंटे आपका भोजन हो जाना चाहिए। क्योंकि भोजन को हजम करने के लिए इट ऑलमोस्ट टेक्स अराउंड 2-2.5 आवर्स। ओके, तो आपकी नींद के बीच में और आपके भोजन के बीच में एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा का गैप होना चाहिए। और जो बहुत राइटली कहा डॉक्टर मोहित ने भी, इसको मैं सेकंड करती हूँ, कि हैविंग गुड कलरफुल डाइट, अ डाइट विच इज़ फुल ऑफ यू नो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स की सर्विंग्स भी अगर हम अपने लाइफ में एंड अपने डेली इनटेक में अगर हम बढ़ा देते हैं, तो आप देखिए ना, कोई चीज़ अगर आप फ्रेश खा रहे हैं तो आपके फेस पे वो ग्लो आता है। बिल्कुल। या पानी का इनटेक, अक्सर मैंने देखा है इवन ऑफिसेज में कि बच्चे, आजकल के यंगस्टर्स, वो पानी बहुत कम पीते हैं। तो जितना इनटेक हमारा पानी का रहेगा, इट क्लीन्स लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। तो जब हम ये चीज़ों का बैलेंस रखते हैं, आई थिंक लाइफ ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगती है। जी डॉक्टर मोहित, हेल्दी बातों की चर्चा हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीज़ हेल्दी है और कौन सी चीज़ अनहेल्दी है, क्योंकि आज अगर बात करें रॉ फूड की, इतना टेस्टी नहीं होता वो। तो ऐसे में टेस्ट का ध्यान रखते हुए ऐसा कौन सा डाइट अपनाएं जिससे हमारा हेल्थ भी सही रहे? देखिए, कोई भी फूड अनहेल्दी नहीं होता अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर एप्रोप्रिएट मात्रा के अंदर हम उसे कंज्यूम करें। अक्सर जूस जैसे हम लोग इसको जंक फूड लेवल करते हैं, अगर जंक फूड डेली मात्रा में खाया जा रहा है, रेगुलरली उसको कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो नेचुरली हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। तो अगर हेल्दी डाइट को हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहें या उसको हम लोग डिवाइड करके समझना चाहें, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत आवश्यक है कि इट शुड बी कलर्ड वेजिटेबल डाइट एंड फ्रूटफुल डाइट। यानी उसके अंदर, हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स होनी चाहिए जो अलग अलग प्रकार के रंगों की हों, दैट एड कलर्स टू आवर लाइफ आल्सो। एंड सिमिलरली फ्रूट्स भी जो हैं उनका एडुकेट मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स का जो सर्विंग है वो हमको भोजन से 1.5 से 1.75 घंटा पहले लेना चाहिए। भोजन के बाद फ्रूट्स कंज्यूम करने का कोई फायदा नहीं होता, ये चीज हमारे को समझना बहुत आवश्यक है। एक दिन के अंदर 3 से 5 सर्विंग फ्रूट्स अगर हम लेते हैं, वो हमारे को बहुत हेल्पफुल होता है, डिपेंडिंग ऑन अवर शुगर स्टेटस। इसी प्रकार सैलड्स का भी जो कंजम्पशन है, वो भोजन के पहले या भोजन के जस्ट साथ में होना चाहिए। भोजन के बाद सैलड्स को कंज्यूम करना बहुत नुकसानकारक होता है। जो हाई फाइबर डाइट होती है, जिसके अंदर हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, चपातीस खाते हैं, उसके अंदर हम आटा, केवल गेहूं का आटा ना मिलाकर उसके अंदर हम लोग मिस्सा आटा, ज्वार, बाजरा या अलग अलग प्रकार के हम 5 सीरियल्स हम डाल लें, और आजकल एक नया जो चीज हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं, मल्टीग्रेन आटा जिसको हम कहते हैं, उसमें हम फ्लेक्स का आटा, फ्लेक्स सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं, वो हार्ट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उसको भी पिसवाकर अगर 1 चम्मच हम लोग अपने आटे के अंदर डाल लेते हैं या 1 दिन की डाइट के अंदर डाल लेते हैं, वो हमारे हार्ट को पर्टिकुलरली बहुत बेनिफिशियल होता है। तो फाइबर्स जितने हमारे डाइट में होंगे, वो हमारे बॉडी को बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लेन मैदा को कंज्यूम करना, प्लेन सूजी को कंज्यूम करना एक्सेसिव मात्रा के अंदर बहुत हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन प्रोसेस के अंदर बहुत स्लो डाइजेस्ट होती है।
हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फर्मेंट बहुत ज्यादा होती है। ओके, बट क्या ये कहना कि हम बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसा भी नहीं है। ऑफ एंड ऑन आप सारी चीजें ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डेली इस प्रकार की चीजों का कंजम्पशन करते हैं, चीज है, बटर है, ऐसी चीजों को हम या हम लोग हाई मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो वो ब्लॉकेज जो है वो ये हमारी आर्टरीज के अंदर जाके उसको क्लॉक कर देती है और फिर हार्ट की बीमारी का रूप ले लेती है। और ना केवल ये जानना, ये भी समझना कि कौन सा ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं, किस प्रकार हम लोग अपने भोजन को कुक कर रहे हैं। अब ऑयल्स में भी हम देखते हैं, कई बार यूथ्स हमारे पास आते हैं, यंग जनरेशन आते हैं कि हम लोग ओलिव ऑयल को कंज्यूम करना चाहते हैं, हम उसको यूज करते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मिथ को समझना और दूर करना बहुत आवश्यक है कि ओलिव ऑयल वर्जिन एंड एक्स्ट्रा वर्जिन फॉर्म में आता है। अगर हम उसको रॉ यानी अनकुक्ड कंज्यूम करते हैं तब वो हमको बेनिफिट देता है। अच्छा, विद कुक्ड फूड यस, अगर हम उसको कुक कर देते हैं, ऑयल को हम जला देते हैं यानी हम उसको सब्जी बनाने के, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मल ऑयल की तरह आ जाती है। एंड स्पेसिफिकली इंडियंस के अंदर, हमारी सोसाइटीज के अंदर सरसों का तेल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है फैमिलीज के लिए एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट भी, कि अपने ऑयल्स को हर महीने आप लोग रोटेट करते जाइए। हर 15 दिन 20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, एक महीना सरसों का ऑयल या सनफ्लावर है, कोई भी ऑयल जिसके अंदर आपका अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का कॉम्बिनेशन एडिक्वेट और प्रॉपर मात्रा के अंदर रहे। तो ये जो लेबल चीज हमने जो देखी है कि जब ऑयल्स में माताएं खाना बनाती हैं तो अक्सर वो बहुत ज्यादा तेल की या घी की मात्रा गैस पे चढ़ा देते हैं और उसको रिपीटेड कुकिंग करते हैं। तो जितनी रिपीटेड कुकिंग होगी उतना वो अनहेल्दी बनता चला जाता है। तभी एज अ मेडिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एक बारी का यूज किया हुआ ऑयल जो तलने के लिए स्पेसिफिकली होता है, उसको दोबारा आप तलने के लिए कभी मत यूज करिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल हो जाता है जी। तो इस ऑयल को हम फेंक तो नहीं सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ऑयल को हम लोग छौंक लगाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं। बट ये थोड़ा इंट्रिकेट डिटेल्स भी हो जाती है। लेकिन एज फार एज जो जंक फूड्स हैं, जंक फूड्स का मैं आपको एक बड़ा क्लियर इस टर्मिनोलॉजी को करना चाहूंगा कि जो जंक फूड स्पेसिफिकली यूथ्स के लिए नहीं, हम सबके लिए दे वर्क एज अ पॉइजन है जी। वो फूड्स हैं जिनके अंदर ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत हाई होती है। ट्रांस फैट्स एक पर्टिकुलर टर्म है जो आप लोग प्रमोशनल आइटम्स पे देखते होंगे कि नो ट्रांस फैट्स, ये समझना बहुत, जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं, इस तरह समोसा है, समोसे को जब हमने कच्चा तल के रख लिया, उसको जब हमने गर्म करके दोबारा तलने की कोशिश की, डीप फ्राई हमने उसको दोबारा किया, तो वो हमारे लिए पॉइजन का रूप ले लेता है। इसी तरह हमने कच्चे पकौड़े तल के रख दिया एक बार ऑयल के अंदर, फिर हमने उसको डीप फ्राई दोबारा किया, तो वो ट्रांस फैट्स का रूप लेके हमारे लिए बहुत नुकसान कर देता है। और अक्सर ये ट्रांस फैट्स जो होते हैं बहुत बहुत टेस्टी बनाते हैं हमारे फूड को, तभी वो हमारे को स्वाद का बहुत आनंद हमें उसको खाने में आता है। कई लोग आप देखेंगे, हमने देखा है कि वो भटूरों को भी या ऐसी पूरियों को भी कच्चा तल के रख लेते हैं, फिर उनको डीप फ्राई करके सर्व करते हैं, तो वो टेस्टी तो बहुत होती है, लेकिन उसके साथ यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग पॉइजन फॉर योर हार्ट, फॉर योर आर्टरीज। तो यूथ्स जो है इन चीजों का मात्रा, क्या समोसे खाने बंद करें? बिल्कुल नहीं। कचौड़ी खाना बंद करें? नहीं, कभी कभी जरूर लीजिए। पिज्जा खाना बंद करें? नहीं, जरूर खाइए आप कभी कभी। डोनट्स खाना चाहे खाइए, आइसक्रीम खाना चाहे खाइए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन इसको रेगुलरिटी में ले आना, जस्ट बिकॉज आई एम अनेबल टू डू दीज, ये हमको हार्म कर देता है। बिल्कुल। और मैं आपको अपनी लाइफ से भी बताता हूँ कि ये चीजें मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन समटाइम्स अगर मैं को स्नैक करना हो या आई वॉन्ट टू इंजॉय अ नाइस स्नैक, तो उसके लिए वॉट आई डू इज कि मैं फ्रेश वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकोली है, कैप्सिकम है, अलग अलग प्रकार के, रेड है, येलो है, ग्रीन कैप्सिकम है, लिटिल बीट ऑफ कॉटेज चीज है जो घर का होममेड पनीर होता है, या आप उसके साथ साथ मशरूम ले सकते हैं, उसको आप फ्रेशली ग्रेट कर लीजिए, उसको आप कढ़ाई के अंदर मिनिमम ऑयल के अंदर आप उसको चढ़ा दीजिए, बिल्कुल मिनिमम हाफ टी स्पून ऑयल के अंदर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और स्पाइसेस डाल के हल्का सा रोस्ट करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दीज आर हेल्दी डाइट्स, दीज आर डाइट्स विच विल फिल योर स्टमक, गिव यू नॉट लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके साथ आप इन ऑयल्स, इसके साथ आप इनको सूप्स में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। पालक का सूप घर में बनाइए, मशरूम को का सूप आप बनाइए, ब्रोकोली का सूप आप बना सकते हैं, और इस प्रकार के अलग अलग चीजें जो हम लोग खुद यूज करते हैं और ये हमको बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। इसी प्रकार आप देखिए जूसेस का बहुत फैशन है,
बहुत समय पहले मैं भी काफ़ी कंज्यूम करता था, लेकिन आज के समय में मैं टिंड जूसेस और फ्रूट्स को बिल्कुल यूज नहीं करता जी, क्योंकि जो फ्रेशनेस जो आती है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आती है। जैसे ही वो चीज़ टिन कर दी जाती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, चाहे हम जितना भी प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्वेटिव फ्री भी आप उसको रखें, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फ्रेश फ्रूट्स को आप लीजिए, जूसेस लेना चाहें तो फ्रेश जूसेस को आप एंकरेज करिए। तो ये हेल्दी डाइट हम एंकरेज करेंगे ना, बहुत हमको बेनिफिशियल मिलेगी। ग्रीन टी है, हॉट वाटर है, रेगुलरली आप इसको कंज्यूम करते जाइए। जितना आप लेंगे तो आपका स्टमक भी फुल होगा और ये आपके फेस पे, आपकी लाइफ के अंदर, अदरवाइज भी न्यूट्रिशन सिस्टम के अंदर भी बैलेंस रहती रहेगी। लेकिन कोई भी चीज़ का परहेज करना, ऐसी चीज़ की मैं ये नहीं खा रहा हूँ, या इस चीज़ को मैं ना लूँ, मैं चिप्स को नहीं लूँ, मैं पनीर को ना खाऊँ, या मैं डोनट्स को ना खाऊँ, नहीं, आप ज़रूर लीजिए। अगर आपका मन करता है आप लीजिए, रेगुलरिटी में उसको मत लाइए। बिल्कुल, डॉक्टर मोहित ने इतनी सारी बातें हमें बताई जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से डीपली बताया कि क्या हेल्दी फूड है और क्या अनहेल्दी फूड है। लेकिन हम तो एज अ वर्किंग यूथ अगर मैं बात करूं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, कई बार हम अकेले रह रहे होते हैं, तो ऐसे में क्विक फूड और हेल्दी फूड इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे क्रिएट करें? बहुत अच्छा है। आई थिंक आजकल इतने क्विक फूड्स आ चुके हैं जो हेल्दी भी हैं एंड दे आर फास्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पोहा, मेड अप को पोहा आते हैं, अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ छोंक लगाना है, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स इसमें डालनी है। इससे क्या होता है कि व्हेन यू डू सर्टेन एक्टिविटीज लाइक दिस, आपका एक चेंज हो जाता है, प्लस एक्टिविटी भी हुई, एक्टिविटी के साथ आपकी कैलोरी भी बर्न होती है जब आप काम करते हैं, एफर्ट करते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, आज हमारी लाइफ एक तरफा हो गई है जी, इट्स ऑल प्रोफेशनली ड्रिवन। ऑफिस जाना है, ऑफिस भागना है, ऑफिस के लिए ये करना है, पूरे दिन रात ऑफिस ही ऑफिस, देर इज नो हार्म इन इट। बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को हमें ऑर्गेनाइज और चैनलाइज करने की जरूरत है। हम भाग रहे हैं किसके लिए, अपने लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपने स्वजनों के लिए। बट ये बात समझना जी कि मुझे ठीक रहना है तब तो मैं ये सब काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। करेक्ट, नहीं तो जंक फूड इज द इजी स्केपगोट, जो डॉक्टर मोहित ने भी कहा कि खाएं, लेकिन क्या अगर मैं रोज खा रही हूँ, देन इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। करेक्ट, आई नीड टू चेक कब खाएं, कैसे खाएं। सो हैविंग फ्रूट्स तो हम परचेज कर ही सकते हैं ना, या थिंग्स लाइक पुलाव बना लिया, वी कैन हैव जूसेस पीना ज़रूरी है, टोमेटोज लिए, फ्रेश टोमेटोज कट करना है, उसको चर्न कर दीजिए, दे आर डिलिशियस। मतलब देयर आर मेनी 2 मिनट रेसिपीज दैट आर अवेलेबल। जैसे मोनिका आपको बता रही, स्नैकिंग के लिए भी अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, और मैं इस चीज़ से टोटल एग्री करता हूँ कि ये कहना कि मेरी लाइफ में इतना बिजी रख लिया है कि मेरे पास समय नहीं है कुक करने का या हेल्दी भोजन खाने का, तो फिर हम कमा किस ले रहे हैं? करेक्ट, वी आर नॉट अर्निंग टू बी अनहेल्दी, यानी हम अपने पैसे को कमाकर अपने लिए जो बुरी हेल्थ है उसको भी हम बाय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम बीमार पड़ते हैं बिकॉज ऑफ अनहेल्दी फूड, हम वो सारा पैसा डॉक्टर के पास खर्चा करते हैं, तो क्यों ना वो पैसा मैं सही जगह पे लगा करके, एक्सक्यूजेस वेल नोन सेइंग भी है, ठीक नहीं रहेगा। और स्नैकिंग के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अलग अलग प्रकार के बीज आते हैं, अलग अलग प्रकार के हेल्दी जो आजकल ऑर्गेनिक फूड्स भी आते हैं, जिसमें बीन्स आते हैं, नट्स आते हैं, उनको नट्स को आप रोस्ट करके, तले हुए बिना, आप रोस्ट करके अपने ऑफिस में रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अलसी के बीज भी बताया, तो अलसी के बीज को आप हल्का सा रोस्ट करके, और भी आप बीज ले सकते हैं, तरबूजे के, खरबूजे के, उनको करके आप अपने साथ टेबल पर रख सकते हैं, एंड यू कैन ऑफ एंड ऑन स्नैक विद देम। ग्रीन टी प्रिपेयर करने में कुछ भी नहीं है, टी प्रिपेयर करने में कुछ भी नहीं है, आपने गर्म पानी किया, ऑफिस में एक कप डाला, मिल्क उसके अंदर थोड़ा सा प्री प्रिपेयर्ड आता है, डाला और लेके आप उसको ले सकते हैं। एंड व्हेन यू डू, यू आर ऑल्सो फीलिंग बेटर, आप खुद भी अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ बाई डूइंग दीज एक्टिविटीज। बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, हमें कई बार ऑपरेट करना होता है, दिनचर्या कभी 7 बजे हॉस्पिटल से स्टार्ट हो जाती है, रात को 11, 12, 1 भी बज जाते हैं जी। लेकिन हाउ आई डू पर्टिकुलरली इन माय हॉस्पिटल आल्सो, इसकी हमने अपनी लैब के अंदर ही अपना एक मग रखे हुए हैं और गर्म करने के लिए केटल भी रखी हुई है। व्हेन वी कम आउट ऑफ ऑपरेशन करके, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अदर पीपल टू प्रिपेयर टी फॉर अस, हम लोग गर्म पानी उसमें डालेंगे, रिलैक्स करते हुए उसके अंदर टी बैग डाला ग्रीन टी का, और इंजॉय करते हुए अपने कुलीग को भी दिया, खुद भी हम लोग लेते हैं। वी इंजॉय दिस वे, दिस इज अ वे टू रिलैक्स योरसेल्फ।
केवल अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हो जाना कि वी आर लाइक अ काउच पोटैटो, हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर फोकस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं रहता. स्नैक करना चाहें, फ्रूट्स रखिए, जैसे मोनिका ने आपको बताया, बैग फुल ऑफ फ्रूट्स ले जाइए आप, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हों, यू कैन स्नैक ऑन अ फ्रूट ऑल्सो. घर आए तो देर इज नो हार्म इन गेटिंग, टायर्डनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. अगर आपका मन है, आई एंजॉय गोइंग इन द किचन प्रिपेयरिंग फूड फॉर माई ओन सेल्फ, अगर मेरे को अपने लिए रोटी बनानी है, परांठा बनाना है, आई डोंट माइंड डूइंग दैट बिकॉज आई फील दैट फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई विल लाइक टू कुक फॉर माई सेल्फ और मैं उसको कंज्यूम भी करूँगा. तो इंजॉय करिए और इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आता जाएगा, क्योंकि फूड आपके लिए अच्छी हेल्थ भी बाय कर सकता है और अगर बुरा फूड है तो वो आपको डिजीज भी क्रिएट कर सकता है. आजकल माओ की ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चे घर में खाना खाते ही नहीं है. उनके लिए देखिए जितनी भी बातें इन्होंने बताई, ये सब टेक केयर करते हुए एक मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, लेकिन बच्चा बाहर के खाने में ज्यादा आकर्षित होता है ना कि घर के खाने में. इस चीज को कैसे बदला जाए, इस ट्रेंड को अगर बदल करके वो रियलाइज करे कि मम्मा की प्यार उसमें है, उनका हेल्थ पे हमारा कितना केयर करते हैं, अगर इस चीज को यूथ समझ ले तो उनकी हेल्थ और भी ज्यादा बेटर हो सकती है. ऐसे में आपकी क्या राय है? मैं समझती हूँ ये हमें ना शुरू से ही बच्चों के साथ उनको वैरायटी खिलाना और वैरायटी खिलाने की आदत कहीं ना कहीं पेरेंट्स साथ बैठ करके डालें. अच्छा, कहीं ना कहीं मदर्स को वैरायटी घर में भी बनाना आना चाहिए. जी. आज मदर्स भी वर्किंग है तो उनको भी लगता है कि बच्चे बाहर से ही खा लें या खाना बाहर से ही आ जाए तो अच्छा है. बिल्कुल. जो स्वाद माँ के हाथ के बनाए हुए खाने में है, आई कैन टेल यू वो बाजार की किसी भी बेस्ट ऑफ द शॉप्स में नहीं आ सकता. क्योंकि विद द लव विद विच शी कुक्स एंड सर्व्स, वो सिर्फ माँ ही कर सकती है. तो बच्चों को आदत डालें हर टाइप के वैरायटी भोजन खाने का. जी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमको करेला खाना सिखाया और करेले को हमारी मम्मी बड़े इंटरेस्टिंग वे से बनाती थी. अच्छा. कैसे करती थी कि उसको काट करके उसके चिप्स बना करके और उस पर मसाला डाल करके हमें खिलाती थी. बच्चों को चिप्स खाने का शौक है जी, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, लेकिन करेले के चिप्स, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर इट. करेक्ट. अब जैसे हमें इवनिंग में स्नैकिंग, अगर हम थके हुए आ रहे हैं तो हमें स्नैकिंग करनी है या कुछ अच्छा खाना है तो वैरायटी ऑफ सैलड्स खिला रहे हैं. सो इससे वैरायटी मिली, फ्लेवर मिला और साथ में हेल्दी फूड भी है. क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूडनल डेवलपमेंट. करेक्ट. हमने अपनी फैमिली में भी यही देखा कि मदर एंड फादर भी दोनों डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने हमको सब चीज़ें दी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते हुए भी. उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑप्शन टेकनिंग एन इजी ऑप्शन दैट इज़ नॉट द राइट वे. करेक्ट. आप घर में बनाइए, क्योंकि घर के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो हमेशा डलता है वो है लव एंड केयर. इंग्रेडिएंट्स में ये एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट होता है. बाहर जाएंगे तो बाहर वाले का फीलिंग क्या होगा कि आप खाओ और मैं कमाऊंगा, और घर में इंग्रेडिएंट क्या होगा कि आप खाओ और आपको हेल्थ भी मिले, दुआएं भी आपको मिले. जी. तो ये हमारे एटीट्यूड में लाना, यंग मदर्स के एटीट्यूड के अंदर भी लाना, फैमिलीज के अंदर लाना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है. और ये केवल एक्सक्यूजेज हैं कि वी आर वेरी बिजी 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 बिजी. ये बिजी वर्ड ने हमारी पूरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया है. हमारे लिए जो नेसेसरी और नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, नेसेसरी हमारी लाइफ की जो कुछ पहलू हैं, उनको भी हमने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है तो वी टेक अ इजी वे आउट. ऑफन ऑन यू कैन स्पॉइल योरसेल्फ, देयर इज नो हार्म, लेकिन अपने हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करना, हेल्दी कुकिंग को इनकलकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे मदर ने शुरू से ये भी बताया, कई लोग, मैं हैरान होता हूँ, कई बच्चे आएंगे, कई यूथ्स आएंगे, मैं फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाता. कई लोग कहेंगे हम मिल्क बिल्कुल नहीं लेते, कई लोग कहते हैं हम ये वेजिटेबल नहीं खाते. आई एम सरप्राइज कि कई घरों में दो प्रकार का खाना बनता है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बड़ों के लिए, क्योंकि वो खाते नहीं है. ये हैबिट्स को स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए. अनटिल अनलेस यू आर एलर्जिक टू वन पर्टिकुलर फूड, घर में भोजन एक ही प्रकार का बनना चाहिए और सबको वो भोजन खाना चाहिए. कई बार हम भी कह देते हैं कि हमें ये भोजन नहीं खाना या हमारा मन नहीं करता है, तो प्यार से उसको इतना टेस्टी बना के, जैसे मोनिका जी ने आपको बताया अभी, कि प्रस्तुत किया जाए कि आपको यही ना पता लगे कि आप खा रहे हैं और आपको बाद में पता लगे आप कहीं आए तो इतना टेस्टी है जी. तो ये हमारे केवल थॉट प्रोसेस का बिलीफ सिस्टम है कि हमें ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता, ये मेरे लिए ये है, नहीं, आपको खाना है.
आप जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसको अलग अलग प्रकार की तरीके से आप ग्रहण करेंगे तो आपके लिए हेल्दी फूड का हेल्दी। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से हेल्दी फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, अगर हम इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारी हेल्थ और भी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। जंक फूड्स खाएं पर कम मात्रा में खाएं तो ये सही होगा आपकी हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने यह जाना कि अगर हम हमारे डाइट को सही तरीके से प्लान करें और सही टाइम पर खाएं तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। साथ ही साथ अगर हम रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्प्राउट्स, बीन्स, इस तरह की चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें तो हम महसूस करेंगे कि जंक फूड खाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके हिस्सों में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8098-4913-487। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।